खबर रीवा जिले से है, जहां आपने ऑटो से यात्री के सामान चोरी होने की घटनाएं तो बहुत सुनी होंगी, मगर रीवा शहर के ऑटो ड्राइवर मनोज तिवारी ने ईमानदारी और मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि रीवा शहर में बाजार से सब्जी खरीदने गए रिटायर्ड शिक्षक वैद्यनाथ पटेल का मोबाइल ऑटो में गिर गया था, जिस पर ऑटो ड्राइवर मनोज तिवारी ने ईमानदारी से मोबाइल मालिक को उनका मोबाइल पहुंचाया, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। लोगों ने उम्मीद की है कि अगर ऑटो टैक्सी चालक ईमानदारी बरते तो जहां पुलिस की मुश्किलें कम हो सकती हैं, वहीं ऑटो टैक्सी वालों की भी छवि जनता के बीच अच्छी निखर कर सामने आएगी। जी, खोया हुआ मोबाइल पहुंचाया है। जी, हमको पता नहीं था किसका मोबाइल है, लेकिन हम जब यहाँ सवारी छोड़ के गए, सारथा ठिया पहुँचे, अपने रूम जाना था हमको, व्रत रहते हैं, चाय पीने के लिए चाय पीने उसके बाद गाड़ी चलाएंगे हम, तो जब वहाँ देखे तो सवारी नहाते, लेकिन उन्हें बैठाया नहीं, ना ही कर दिया। जब पीछे तरफ देखे तो वो फ़ोन पर रहा था। अबे, उसमें हम एक दो आदमी को फ़ोन लगा के बात किए, किसका फ़ोन है भैया, ये परेशान होंगे। तो उसने बोला ठीक, हमारे पास तो नाम नहीं है इनका, लेकिन पता करते हैं। तो उसने कॉल किया और बाद में फिर अंकल जी का फ़ोन आया इधर से कि हमारा फ़ोन है, इसलिए बोले कहाँ, हम सिल ट्यूबन से बोल रहे हैं। तो हम कहें चलो वहीं पर, हम आ रहे हैं गेट के पास आपके, तो देंगे वहीं पर आके, हो गया। इस तरह से करके आपके मोबाइल वापस किया, आपका मोबाइल आके। कैसी जानकारी लगी आपको कि भाई, पता चल फोन से चला पता, जब फोन आया उनका बोला कि हमारा फोन है। हम कहें आप कौन है, कहें हम मटर लेके आ रहे थे अभी आपके साथ वहाँ से, तो हम कहें ठीक है चलो, हम ऑटो वाले बोल रहे हैं, आपके घर पहुंचा रहे हैं फोन आके। कुछ ऑटो चालक बेईमान टाइप के भी होते हैं, अबे उनको तो यही उपदेश देंगे कि मानो किसी का सामान अगर छूटे तो वो फोन करके उनको घर पहुंचाए, ना पहुंचाए तो कहीं इधर उधर रखें जहां उसका सामान मिल सके। क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। क्या व्यवसाय करते हैं? ऑटो चलाते हैं। कौन से गाँव से आते हैं? हमारा गाँव है रामपुर बखेरा, आपके यहाँ रहते हैं? रीवा में रहते हैं, नेहरू नगर में। बच्चे हमारे दो हैं, एक हमारा बड़ा वाला मुखबदिर है, बीसीएम पढ़ता है, मुखबदिर है, बोल नहीं पाता, कम बोल पाता है। एक आपकी गायत्री विद्या मंत्री 12वीं, दोनों 12वीं में है। तो हो गए, इसी बच्चे के कारण यहाँ रुके हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, बाकी कुछ। मोबाइल ऑटो ड्राइवर के माध्यम से आप तक पहुँचा है जी? क्या कहना है, कहाँ गए थे आप? हम गए थे क्लिनिक से वापस आ रहे थे, तो 5 किलो मटर लिया, फिर बथुआ लिया। अच्छा, सब्जी लेने गए? उधर से आते हैं तो लेते आते हैं। अच्छा, और फिर वहाँ आए निरंजन मेडिकल, बस स्टैंड में निरंजन मेडिकल स्टोर के पास, तो ये खड़े थे, उन्हीं में हम ऑटो में बैठ गए। और जब यहाँ उतरे तब नहीं पता चला, जब घर आए तो जेबा में नहीं था, तो मैडम से कहे कि मेरा फोन लगता है क्लिनिक में रह गया। तो उन्होंने फोन लगाया तो बोले यहाँ से नहीं है, तो फिर तब तक फोन लगाई, फोन अब हमारे वाले फोन में, तो उन्होंने उठाया तो बताए कि हाँ फोन यहाँ है, शारदा ठिया में हम हैं, लेकर आ रहे हैं। आज के समय में एक ऑटो ड्राइवर ने अच्छी मिसाल पेश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मिसाल है, तो इनाम का काम कर दिए। और घर पहुँचाया उसने? हाँ, आकर घर पहुँचाए। क्या नाम है आपका? वैद्यनाथ पटेल।